दो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र, मतलब नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हम डायग्राम के जरिए से समझेंगे और इसको नाइट्रोजन हम लोग किस रूप में किनके द्वारा पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन के लिए, ये क्या क्या प्रोसेस है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंतर्गत 78 से 79% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कितनी पाई जाती है? 78 से 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन दिक्कत यहां पे आती है, 78 से 79% तो नाइट्रोजन पाई जाते हैं, इन पेड़ पौधे और जीव जंतु इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं? कि जो क्वेश्चन आता है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या बताओगे? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन आता है, पौधे यूरिया को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या बताओगे? एमाइड के रूप में। यूरिया को तो एमाइड के रूप में और नाइट्रोजन को तो नाइट्रेट के रूप में। हम जानते हैं कि पौधे नाइट्रोजन पौधे और जीवधारियों के लिए एक आवश्यक रूप से अंग हो गया, तत्व हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन पौधों और जीवधारियों के लिए जीवित रहने के लिए और उनकी क्या होती है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जीवधारी इसे क्या करते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है, और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की उपलब्ध होती है, कैल्शियम साइनामाइड और अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन यौगिक के रूप में। अच्छा, नाइट्रोजन यौगिक क्या होते हैं, अभी आपको पेपर लिखाएंगे आगे इसके अगली क्लास में कि दो नाइट्रोजनी उर्वरक के नाम लिखे, तो उसमें आएगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। ठीक, वो तो एक आगे की बात है। और जो नाइट्रोजन होती है, जो आपको प्रोसेस लिखाया, पहले हम देखेंगे किस किस रूप में ग्रहण करते हैं, फिर आपको हम डायग्राम समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले आता है हमारा नंबर वन, वायुमंडल नाइट्रोजन को पौधे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो तड़ित द्वारा। अच्छा, तड़ित का क्या कहते हैं? बिजली तो देख रहा कि जो बारिश का मौसम होता है तो बिजली गिरती है, तो बिजली क्या होती है, अब समझो, वायुमंडल में हमारे क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में हमारी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या? वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, समझ गए? अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की फिर से दोबारा ऑक्सीजन से क्रिया करा के नाइट्रोजन पराऑक्साइड बनाते हैं। क्या? नाइट्रोजन पराऑक्साइड। समझना बहुत जरूरी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई गए हैं और जब बारिश होती है तो बिजली के द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन पराऑक्साइड बनाते हैं। अब नाइट्रोजन पराऑक्साइड होती है, पानी बरसता, पानी में क्या होता है, जल होता है, H2O होता है, तो नाइट्रोजन पराऑक्साइड की जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बन जाती है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है। अब समझो, हमने क्या बताया कि जब आकाश में बिजली चमकती है तो वायु के कुछ नाइट्रोजन, जब आकाश में मतलब बादल में क्या बिजली चमकी तो वायु की कुछ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाई, नाइट्रोजन पराऑक्साइड। आपको ये पेपर में कैसे लिखेंगे, आपको अगर आ जाके तड़ित द्वारा लिखना है तो जो हम बता रहे वही आपको लिखना, किताबी भाषा में, कि पहले आप पहले हिंदी लिखोगे, हिंदी में क्या लिखोगे कि वायुमंडल में आकाश में जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन पराऑक्साइड बनाते हैं और नाइट्रोजन पराऑक्साइड जल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। फिर ये तीनों रिएक्शन कर दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, ये तो हो गया। अब हम पहले डायग्राम के जरिए से समझेंगे तो हमको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपको हेडिंग समझाएंगे क्या है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78 से 79% क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाती है। अच्छा, जो भी चीज हमारी पाई जाती है हमेशा लवण आयन के रूप में पाई जाती है। मतलब अब लवण का मतलब क्या है, हमेशा ऐसा है कि खाली अमोनिया ही नहीं पाई जाती, अमोनियम सल्फेट होगा, अमोनियम नाइट्रेट, मतलब उसमें बहुत सारी यौगिक आपस में मिले होंगे, खाली अमोनिया नहीं होगी। तो अमोनियम लवण क्या हो गया, उर्वरक के रूप में किसमें क्या होता है, अमोनिया बन जाती है। अब एक छह उत्सर्जन क्या मतलब है,
जो हमारी उत्सर्जन का मतलब जैसे हम टॉयलेट करते हैं, मूत्र करते हैं, जो विसर्जन हो जाता है मतलब शरीर से एक्स्ट्रा पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो कहते हैं जंत प्रोटीन के रूप में बृहस्पति पदार्थ। अब जो बृहस्पति पदार्थ है जंत प्रोटीन और इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे नाइट्रीकरण समझो, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वायुमंडल के अंदर हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन पाई गई उससे पेड़ पौधे सहजीवी जीवा, अच्छा सहजीवी जीवाणु क्या होता है अभी आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है तब उसमें आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से सहजीव नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर, क्या नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जीवाणु के द्वारा पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई गई क्या नाइट्राइड के रूप में, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन क्या बन गया जाके नाइट्राइड बन गई, और नाइट्रोवेक्टर जीवाणु के द्वारा नाइट्राइड किसमें बदल गई नाइट्रेट के रूप में। तो अब हिंदी भाषा में समझते हैं, हिंदी भाषा का मतलब क्या, जो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन पाई गई जाके उसे पेड़ पौधे ग्रहण कर लिए, पेड़ पौधे ग्रहण कर लिए जाके किसके नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जीवाणुओं के द्वारा, तो इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं नाइट्रीकरण कहते हैं। जब आपका हम नेक्स्ट इसमें कराएंगे क्या, जब आपको हम इसमें इसकी जब कल क्रिया लिखाएंगे साइलेंट रहो, जब इसके हम क्या कराएंगे कल आपको क्रिया कराएंगे प्रोसेस बताएंगे, अभी तो आपको खाली मोटा मोटा बताएंगे, कल हम इसको क्या अमोनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, हेबर प्रक्रम क्या होता है, इसको जो हम लिख के समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। साइलेंट रहो गर्ल्स। उसके बाद छह उत्सर्जन। अब विनाइट्रीकरण का मतलब है, अच्छा विनाइट्रीकरण मतलब जो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर लिए, अच्छा सब तो ग्रहण नहीं करेंगे कुछ तो रह जाएगी वो दोबारा वायुमंडल में चले जाना इसी को, अच्छा चक्र का मतलब है, चक्र आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, साइकिल का मतलब एक चक्कर जहां से चालू किया वहीं पे खत्म हो जाना, इसी पर साइकिल। वायुमंडल में नाइट्रोजन गई पाई जाती है, हम लोगों ने इसे ग्रहण किया, पेड़ पौधे ने ग्रहण किया, जब वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ने ग्रहण किया, पेड़ पौधे क्या करेंगे क्या करेंगे, आपने हिंदी में आपको एग्रोनॉमी में हमने पढ़ाया था सोयाबीन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, सोयाबीन में क्या पाया जाता है उसकी लाल ग्रंथियों में कौन सा पाया, राइजोबियम। दलहनी फसलों की गांठों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, और अदलहनी फसलों की एजोटोवेक्टर पाया जाता है। तो ये कहता है नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व मतलब ग्रहण कर लेता है, और पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं। अब जब हम फसल ले लेते हैं उसको क्या होता है मटेरियल बचता है, एक्स्ट्रा पदार्थ बचता है, वो दोबारा उसमें गल जाता है, दोबारा उसी अवस्था में फिर से वायुमंडल में चला जाना, मतलब नाइट्रोजन को ग्रहण किया, पेड़ पौधों ने यूज किया, फिर से क्या क्या यूज कर, सब तो यूज नहीं करेंगे थोड़ी बहुत यूज करेंगे, फिर उसी अवस्था में फिर से वायुमंडल में नाइट्रोजन में पहुंच जाना, इसी को क्या कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा साइकिल का मतलब एक चक्कर जहां से चालू करते वहीं पर आ जाए उससे चक्कर पूरा हो जाता है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सब सेम है, हर चीज वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल से ग्रहण करके पेड़ पौधे ने अपना खाना बनाया, जो बच गए दोबारा उसी अवस्था में वापस चली गई, उसी को क्या कहते हैं नाइट्रोजन। ये आप भाषा लिख सकते हो, फिर से समझ लो, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई गई, क्या हुई पेड़ पौधे ने ग्रहण किया प्रोटीन के रूप में, भोजन के रूप में, और उसके कारक कौन कौन से होते हैं, अमोनीकरण के रूप में, नाइट्रीकरण के रूप में, विनाइट्रीकरण के रूप में, हेबर प्रक्रम। ठीक ये हो गया। अब देखो कृत्रिम नाइट्रोजन क्या होते हैं, तड़ित द्वारा समझा दिया, ये तड़ित बिजली हो गई, तड़ित मतलब बिजली, तड़ित मतलब बिजली। उसके बाद क्या हो गया आपका, अब सहजीवी जीवाणु और अच्छा बताओ जो वनस्पति प्रोटीन होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में क्या पाई जाती है सहजीवी जीवाणु, कौन सा होता है राइजोबियम होता है, राइजोबियम जीवाणु क्या करता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है। सोयाबीन के अंदर कौन से उसकी गुलाबी गांठे पाए, दलहनी फसलों के अंदर क्या से आपको एग्रोनॉमी में पढ़ा था क्या पाया जाता है गुलाबी गांठे पाई जाती, वो वायुमंडल को क्या करती है नाइट्रोजन मतलब एब्जर्व कर लेती, ग्रहण कर लेती हैं। तो इन्होंने क्या किया वनस्पति प्रोटीन सहजीवी जीवाणु के द्वारा किसमें नाइट्रोजन वायुमंडल से क्या कर लिया उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब आ जाओ मंद कार्बनिक भंजन, भंजन और आसवन आपको हम आगे पढ़ाएंगे जो आपका चैप्टर आएगा कि उसमें आसवन क्या होता है। अच्छा पादप वृद्धि क्या होती है समझो, वायुमंडल में नाइट्रीकरण पाए जाके इसको क्या करेंगे जाके पेड़ पौधे नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेंगे जाके किसमें, तो वनस्पति क्या हो जाएगी आपस में वृद्धि हो जाएगी। अब थोड़ा और समझते हैं, ठीक नंबर वन में सहजीवी जीवाणु, अच्छा तुमने देखा होगा दलहनी फसलों के अंदर सहजीवी जीवाणु कौन सा होता है राइजोबियम होता है, उसके अदलहनी फसलों की फसलों में कौन सा होता है राइजोबियम होता है एजोटोवेक्टर होता है। तो जैसे गेहूं ज्वार आदि अनेक प्रकार की फसलें वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को क्या कहते हैं नाइट्रोजन के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसकी वृद्धि के लिए क्या करते हैं हमें जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। तो चने और मटर
चने और मटर जैसी क्या होती है हमारी फलीदार फसलें होती हैं, तो इनकी जड़ों में कौन सी गोल ग्रंथियां पाई जाती है, कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, गोल ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, इस सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, हमने बता भी दिया कौन सा होता है, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ये क्या करती है यौगिकों के रूप में परिवर्तित करके पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। उसके बाद अन्य साधन द्वारा, इसे आपको अभी हेबर प्रक्रम पढ़ाएंगे, अमोनिया का हेबर प्रक्रम विधि, वो भी वायुमंडल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनती है, अमोनिया बनती है, ठीक, जिसे अपर्याप्त खाद पर्याप्त नस्ल प्रोटीन के रूप में। अच्छा, प्रोटीन का मतलब होता है विकासशील पौधे भूमि में उपस्थित विभिन्न नाइट्रोजन यौगिकों जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। अभी आपको जड़ों के द्वारा बता दिया कौन सा, आपके क्वेश्चन आता है पेपर में कि धान के खेत में कौन सी पाई जाती है, काई होती है, बीजिए ब्लू ग्रीन एलगी होता है, नील हरित शैवाल, ये भी क्या करता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेती है। अभी लिखो मत, समझ लो। उसके बाद क्या, अमोनीकरण, तो साइलेंट हो जा। अमोनीकरण का मतलब है कि पौधे द्वारा उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ तथा जंतुओं और उनके मलमूत्र के द्वारा, किसके मलमूत्र, जंतुओं का मलमूत्र होता है रखे रखे, तो नाइट्रोजन तुमने देखा होगा, और हम कहीं जगह पे जो हम लोग गोबर की खाद हो उसमें भी होता है, कभी अगर तुमने देखा होगा, कभी अगर आपके घर पे कोई लेटिन का गड्ढा हो तो खोलने के बाद उसके अंदर कभी मत घुसना, उसके अंदर क्या होती, गैसें होती, बहुत सारी इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक, गोबर गैस बनाई जाती है उसमें, कितना गोबर गैस से गैस बन जाती है, तो क्यों मैं तो इतना उबलता रहता है उसमें, क्या था क्रिया होती रहती, कभी तुमने अच्छा देखा होगा घर पे घूरा होगा, मतलब गोबर का ढेर होगा, गोबर का ढेर होगा, इस समय तो बहुत ज्यादा गोबर को खड़खोलना, हाथ डालना, कितना गरम गरम होगा, होता कि नहीं होता रखे, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें बनती हैं, कभी तो बहुत सारी गैसें बन जाती हैं, तो हाँ भाप सी निकलेगी जाके, वो गैसें होती हैं। उसका विनाइटीकरण क्या होता है कि भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन, क्या भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन होगी विनाइटीकरण जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और नाइट्रोजन जो पेड़ पौधे ने ग्रहण किया उसकी मुक्त अवस्था के द्वारा वायुमंडल में चले जाना। नाइट्रीकरण का मतलब आना, विनाइटीकरण मतलब जाना, इंग्लिश बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण को, और विनाइट्रिफिकेशन विनाइटीकरण को कहते हैं। तो ये आपके पेपर में एग्रोनॉमी में भी बहुत आती है, नाइट्रीकरण विनाइटीकरण अमोनीकरण, और इसमें भी, तो कल आपको जो हम लिखाएंगे उसके बाद कल आपका इसी टॉपिक चलेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको छह नंबर अगर आएगा कि नाइट्रोजन चक्र, आप डायग्राम बना दो अच्छे तरीके से, हमने जो जो आपको बोला है आप अगर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।